तो दोस्तों ये बैक क्लोजर मशीन है। अब इसमें ऑयल कैसे डालेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे ऑयल करना है दोस्तों। देखिए ये ब्लॉक सेट बोलते हैं अंदर, इसे लूपर का दागिना बोलते हैं, इसे अंदर ब्लॉक सेट बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ऑयल करना है, ये अंदर जो सब पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे ऑयल करना है। यहाँ पे ज़रूर ऑयल कीजिएगा, ये दो जगह वहाँ पे ज़रूर ऑयल करना है भूले बिना। यहाँ पे ऑयल हो गया। उसके बाद दोस्तों ये जो सोय का सलिया है नीडल बार, वहाँ पे ऑयल करना है हमें। वहाँ पे हो गया। फिर थोड़ा ऑयल यहाँ पे भी रख दीजिएगा आप ऊपर यहाँ पे। और ये टेंशन की जो डिश है उसके बीच में भी थोड़ा ऑयल रख देने का, क्योंकि कई बार यहाँ पे कचरा फंसा होता है, तो कचरा साफ करके वहाँ पे ऑयल रख दे तो अच्छा रहता है। फिर कुछ मशीनों में यहाँ पे होल दिया गया होता है और यहाँ पे भी होल होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से ऐसी कूपी से ऑयल डाल सकते हैं। अब यहाँ पे होल नहीं दिया गया है तो मैं आपको खोल के बताता हूँ कि कैसे ऑयल डालेंगे हम लोग। देखिए ये नीचे के दो मैंने स्क्रू खोल दिए। ऊपर के भी दोनों मैं खोल देता हूँ। देखिए ये फिर बाहर निकल गया ढक्कन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अंदर एक ब्लैक कलर की काली रस्सी दी गई है। वो काली रस्सी इसीलिए दी जाती है कि हम मशीन में ऑयल करते हैं तो वो काली रस्सी ऑयल को सोख लेती है, और मशीन जैसे जैसे चलता है वैसे उसे ऑयल मिलता रहता है वो काली रस्सी के थ्रू। तो हमें यहाँ पे ऑयल करना है, इसे भी ऑयल का गुटखा कहते हैं। तो यहाँ अंदर हर जगह में थोड़ा थोड़ा ऑयल रखते रहना है। उसके बाद ये आपको होल दिख रहा है दोस्तों, ये होल में भी ऑयल रखना है, यानी ऑयल बॉडी के अंदर, मशीन की बॉडी के अंदर चला जाए। फिर यहाँ पे भी एक होल दिया गया है। यहाँ पे हम ऑयल करेंगे तो वो ऑयल यहाँ से साफ्टिंग में चला जाएगा। ऐसे खोलिए और ऐसे ऑयल कर दीजिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो दोस्तों इस प्रकार से बैक क्लोजर मशीन में हम ऑयल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं।